किसानों ने मनाई महेंद्र सिंह टिकट की 13वीं पुण्यतिथि। बुधवार को किसान यूनियन के कार्यालय लालू नगला में किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकट की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। किसानों ने अपने मसीहा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, जी आज किसान मसीहा स्वर्गीय बाबा टिकैत सन 2011 में आज के दिन ही हम सबको छोड़कर चले गए, तो आज हमने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा टिकैत कोई एक वो शख्सियत थे जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को एक लड़ने का तरीका दिया और उनकी आवाज़ बने। जब बाबा टिकैत ने आंदोलन शुरू नहीं किए थे तो किसान का बहुत बुरा हाल था। किसान किसी दफ्तर में जाता था तो जूती उतार कर और उसको बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ता था, लेकिन बाबा टिकैत ने दिखाया कि किसान की ताकत क्या है, मजदूर की ताकत क्या है। बाबा टिकैत ने मुख्यमंत्री को खेत की मैंट पे बैठालकर घड़े की ओक से पानी पिलाया। बाबा टिकैत ने बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को झुकने पर मजबूर किया। बाबा टिकैत ही थे जिन्होंने हमें आंदोलन की राह दिखाया। हमारे देश में क्या था कि सत्ता बदल दो, एक चला आ रहा था कि सत्ता बदल दो। बाबा टिकैत ने कहा कि सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलो। तो बाबा टिकैत के बताए हुए रास्ते पर, क्योंकि व्यवस्था बदलने से कुछ होगा, हम पिछले 70-80 सालों से लगातार सत्ता ही बदलते चले आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई किसान का भला नहीं हुआ। लेकिन बाबा टिकैत ने जब आंदोलन की राह दिखाई तो उस आंदोलन से, क्योंकि बतलाया बाबा टिकैत ने कि आप बैठ जाइए, जहाँ पर भी जो भी आपकी समस्या वहीं पर बैठ जाइए, तो जब वो बैठ गए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को झुकना पड़ा उसके लिए। बाबा टिकैत का एक बार रामपुर आए थे, बाबा टिकैत ट्रेन से आ रहे थे, उनका हुक्का ट्रेन में रह गया। जब ट्रेन में रह गया, बाबा टिकैत ने वहीं पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बोले मुझे नहीं पता, मेरे तो ट्रेन लेके गई है हुक्का। तो लोगों, जो अधिकारी कर्मचारी, जो भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया। बोले टिकैत साहब, आपका हुक्का हम मंगा देते हैं आपको, दूसरा नया हुक्का। बोले मैं दूसरे के बाप को बाप ना कहता, मुझे मेरा हुक्का चाहिए। तो बोले साहब हम उससे बस से मंगा देते हैं, फला चीज़ से मंगा देते हैं। का नहीं, ट्रेन लेके गई है मेरा हुक्का, इतना भी टाइम नहीं था कि मुझे सही से उतरने देता, मेरा सामान उतारने देते, तो ट्रेन ही लेके आएगी। ट्रेन बरेली रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई। अब क्योंकि ट्रेन में सवारियां भी सफ़र कर रही हैं, तो वो ट्रेन का डब्बा उससे ट्रेन से काटा गया। काटने के बाद में दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो उसमें बाबा टिकैत का हुक्का रामपुर रेलवे स्टेशन पर लाया गया। तो ये जलवा था बाबा टिकैत का। तो ये जो हमारे महापुरुष हमारे देश में गुजरे हैं, स्वर्गीय बाबा टिकैत या बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, चौधरी सर छोटू राम, इस तरह के अनगिनत मसीहा हमारे देश में गुजरे हैं, उनके जो आज बाबा टिकैत का पुण्यतिथि है, तो इसी तरह से उनके जो जन्मदिन या उनकी मृत्यु का दिन जो भी है, उसको हमें मनाने के साथ साथ उसका ये, इन्होंने लोगों ने ये नहीं कहा कि आप हमारे जन्मदिन या मरण दिन मनाइए, उसमें मतलब कहते बड़े बड़े प्रोग्राम करिए, वो नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते पर चलिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा टिकैत के बताए हुए रास्ते पर सारे किसानों ने चलकर, अभी जो कृषि अध्यादेश 2020 था उसको वापिस कराया, जो हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरह से हट धर्मिता पर है, उसने जो भी कानून बना दिया, चाहे वो गलत बनाया या सही बनाया, किसी कानून को उन्होंने वापस नहीं लिया। लेकिन किसानों के शक्ति के आगे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों से माफ़ी मांगते हुए वो कानून वापस लेना पड़ा। तो ये बाबा टिकैत के बताए हुए रास्ते पर और चलने का ही नतीजा है। सभी किसानों को, सभी मजदूरों को बाबा टिकैत के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और समझना चाहिए कि बाबा टिकैत क्या शक्ति थे, और उसी शक्ति से जिस तरह से भी उन्होंने आंदोलन की राह में दिखाई, उस आंदोलन से बहुत बड़े जो हमारी जीतें हुई हैं, तो उसी चीज़ को हमें मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।